बैठ के चाय कॉफ़ी यहाँ पी सकते हैं। तो इवनिंग में आप देखो हवा भी आता है और ये प्लांट्स का ऑक्सीजन आपको रेडीमेड ऑक्सीजन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज का नया व्लॉग कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी होने वाला है क्योंकि हम आज शिवा कुमार अंकल के घर पे आए हैं जो साउथ सेंट्रल रेलवे में काम करते हैं और क्या बोलते हैं अपना पेपर्स में और न्यूज़ रिबेट वगैरह। हम मिलने वाले शिवा कुमार सर से, तो पहले परमिशन ले लिए थे, अभी जा रहे हैं ऊपर। ये पूरा अभी ये टॉपिक एक्चुअली आके आपको पता है कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और टाइटल पर लिखा है, तो वही है हमारा आज का। तो पूरा ग्रीनरी अंकल अपना बिल्डिंग के ऊपर कैसे ग्रीनरी करा है वो आप मैं सबको दिखाने वाला हूँ। तो चलो आगे बढ़ेंगे अभी इस वीडियो पे। अभी अंकल को पहले दिखाने का है, तो अंकल के घर पर आ गए हम। अभी ऊपर जाता हूँ। तो जैसे जैसे हम ऊपर आ गए शिव कुमार अंकल के घर के पास, तो अभी अंकल को बुलाने वाले हैं। तो हमारे को अभी कौन से किस प्रकार के झाड़ है पूरा आपको दिखाई। जब तक आप इधर देखिए, ये अंकल का गार्डन, ये अंकल का गार्डन है। इधर आपको जिधर भी मैं देखो, जिधर भी कौन सा भी प्लेस लाइक वगैरह कुछ भी लाइक वेंटिलेटर लाइक देखिए, ये वेंटिलेटर भी अंकल चार्ट लगा दिया है और आप देख सकते हैं इसका डिटेल्स अंकल बोलेंगे आप हमारे को। फोर्थ सेकेंड फ्लोर चढ़ना बोले तो ऐसा हो गया देखो लॉकडाउन के टाइम पे। ठीक, तो आपको अभी एक सेकेंड, तो यही है अंकल का लोकेशन आप देख सकते हैं। इधर अलग अलग झाड़ा है बोल के मेरे को अभी अंकल डिटेल्स बोलेंगे कौन सा झाड़ कैसा है बोल के। मैं तो अभी जस्ट टेरेस पे आया हूँ अंकल का परमिशन लेके। और इधर ये अंकल का शेड है जो अंकल मॉर्निंग एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह हम भी कर सकते हैं, पर हम लाइक आप अंकल अभी बिल्डिंग है तो हम बिल्डिंग के ऊपर कर सकते हैं। नहीं तो देखिए अच्छा अच्छा झाड़ा है, इधर बैठ के आराम से अंकल एक्सरसाइज कैसे करते देखिए। ये अंकल का एक्सरसाइज किट है, कर सकते हैं। नहीं तो इधर बैठ के अंकल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं ऐसा बना के। फिर भी ऐसा झाड़ बिल्डिंग के ऊपर कितना जगह है, थोड़ा स्मॉल प्लेस हुआ तो भी अब झाड़ लगाना शुरू कर दो क्योंकि झाड़ लगाना अच्छा है, ऑक्सीजन मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ऐसे ही हम भी बहुत तरीके से लगाए, इधर बहुत जने लगाए, अंकल भी लगाए। डिस्टर्ब नहीं करने का कोई भी नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करने का बोले तो वो मक्खी डिस्टर्ब कर रहे। तो ऐसा अंकल पूरा अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। हर जगह झाड़ या फ्लावर्स कुछ भी छोटे छोटे पपाया घर में भी हमने पीछे के पपाया जो बोलते हैं थोड़ा ऊपर हमने चरस में देखा था। हाँ वही कंपनी का, अच्छा वही है वही। और आम का भी झाड़ है और आमला का भी है, यही आमला, ये आमला का झाड़ है। सेकेंड फ्लोर है और सेकेंड फ्लोर में हाफ पूरा क्या बोलते हैं गार्डन ही है, गार्डन ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और ऊपर टेरेस पूरा गार्डन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पान का है, क्रीपर है, ये एक बार कभी लगाया बस
5-6 साल हो गया। 5-6 साल तो सेवेंथ बर्थडे हमारा है, सेवेंथ बर्थडे हमारा है। और ये इतना अच्छा प्लेस है, बर्ड्स अंदर आके वो नेस्ट लगा के वो अपना वो ला जाते हैं, बच्चा पैदा भी उधर ही होता है। नहीं, एक घर का डिजाइन भी ऐसा अच्छा दिखता है, लाइक कोई मेहमान कोई आए तो एक दो दिन रुक के जाएंगे बोल के लगता है। अब इसको ऐसी बेर क्यों लगाना, उसको भी नहीं छोड़ना। तो ये पान का है ना, ये पान का है। का गार्डन है, जैसा हम बालकनी में क्रोटन्स लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, और वो भी अच्छा आप इवनिंग यहाँ बैठ सकते हैं, मॉर्निंग बैठ सकते हैं, पेपर बैठ के चाय कॉफ़ी यहाँ पी सकते हैं। तो इवनिंग में आप देखो हवा भी आता है और ये प्लांट्स का ऑक्सीजन आपको रेडीमेड ऑक्सीजन, सो दिस इज और क्या चाहिए। सिटी में हम कंक्रीट के बीच में बैठते हैं, पूरा कंक्रीट बीतते हैं, अभी कम से कम ऑक्सीजन तो हम लेने का बहुत अच्छा चांस है, और सुकून रहता है माइंड में एक बहुत, और मेंटेनेंस बहुत कम है, थोड़ा पानी डालो, एक दिन में डालो या दो दिन में डालो, कुछ नहीं होगा। कंपोस्ट पिट आपको घर में मिल जाता है, कंपोस्ट ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, एक बार जब डालते हैं बस उतना ही है, मट्टी विट्टी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, हाँ इसके लिए मेंटेनेंस बहुत कम है, बस वो ही आता है पानी थोड़ा दो तीन दिन में एक बार डालो।